कौन कौन आज न्यू स्टूडेंट है कितने बच्चे स्टूडेंट आज न्यू है बता दीजिए सर एग्जाम को फिनिश है तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो अगर आपका पेपर इजी है और अगर फोर्टीन को खत्म है तो फोर्टीन को थोड़ा रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा प्रेम कुमार पांडे आई एम न्यू ओके प्रेम तो देखो सबसे पहले <coughs> मैं पहले बता दूं कि अगर आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हो तो वैसे तो इस वीडियो के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी जो इस लेक्चर जो इस चैप्टर में आएंगे लेकिन फिर भी आने वाले चैप्टर के अंदर आपको कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट वाले भले स्लैबरेट मत करो आप बेसिक कंसेप्ट वाले जिसमें असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर वो वीडियो जरूर से जरूर देख लेना फ्रॉम no, फिफ्टीन no, ओके फ्रॉम फिफ्टीन से आपने ज्वाइन किया हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आप तब भी ज्वाइन कर सकते हो बस रिकॉर्डेड लेक्चर को आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा आइए स्टार्ट करें आज की जर्नी आज की क्लास सबसे आसान चैप्टर और एग्जाम में पूछे जाने वाला भी है ये रेजिडेंशियल सर रेजिडेंशियल का मतलब क्या होता है रेजिडेंशियल का मतलब होता है रिहाइज यानी रहना और स्टेटस स्टेटस का मतलब या आप तो हो यस yes, या नो no. जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं क्या जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं आप सभी भारत में रहते हो आपका रेजिडेंशियल कहाँ का है भारत का है तो आप सब जवाब दोगे सर यस सर हमारा रेजिडेंशियल भारत का है मैंने बोला आपका रेजिडेंशियल भारत का है तो आपने स्टेटस में बताया यस सर हम भारत के हैं तो रेजिडेंशियल स्टेटस अब सर कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसके अंदर हम भारत के होते हुए भी कई बार भारत के नहीं हो पाते इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स के अंदर बोला गया इंडिया जो हमारा इंडिया है इनकम टैक्स में बोला गया जो हमारा इंडिया है इस इंडिया में रहने से कुछ नहीं होगा इस इंडिया में रहने से कुछ नहीं होगा आपका स्टेटस बताएंगे क्योंकि आपको टैक्स देना है तभी जब हमारे कुछ बेसिक कंडीशन पूरी करोगे तो टैक्स देना है आप बोलते हो सर मैं इंडिया में रहता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता टैक्स के लिए टैक्स के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स है जो उसके कुछ रूल हैं। अगर वो रूल हम क्या करेंगे वो आपके ऊपर लगाएंगे और उस रूल के अंदर आप आओगे तब हम आपको बोलेंगे कि आप इंडियन हो अदरवाइज बोलेंगे आप इंडियन नहीं हो अच्छा सर ऐसा भी है यानी हमें भारत में रह रहे हैं इतने दिनों से तब भी हमारे दोबारा से रूल चेक होगा यस ये चैप्टर आपको सिखाता है कि हर एक नागरिक का आपको उसका स्टेटस चेक करना है उसके हिसाब से टैक्स वसूलना है उसके हिसाब से टैक्स वसूलना है अच्छा सर जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्या पहचान पा रहे हो इनको आप बताओ ये क्या है ये ये इंडिया है ये क्या है इंडिया है और इसको पहचानो फटाफट से जवाब दो मुझे ये कौन है ये कौन है बताओ ये कौन है बताओ ये कौन है जल्दी बताओ देखते हैं कितने बच्चों की जनरल नॉलेज स्ट्रांग है बताओ ये कौन है जो आपके सामने दिख रहा है ये बताओ कौन है इनके बारे में बताओ कुछ आप हाँ। ये है कौन पता तो चले है कौन सा हावी है कौन है ये बताओ बताइए कौन है सर जो बाइडन शिवम पहचान गए तनिष्क पहचान गए अब मुझे एक बात बताओ क्या ये कभी भारत आए हैं जो बाइडन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो कि अब नहीं रहेंगे कुछ दिनों में इलेक्शन होने के बाद सुनने में ये आ रहे हैं आप मुझे बताइए क्या ये कभी भारत आए हैं जो बाइडन क्या ये कभी भारत आए हैं क्या कभी भारत आए हैं ये पहले कभी मुझे पता करना पड़ेगा कि भाई बता आप कभी भारत आए हो बताइए क्या आप कभी भारत आए हो क्या तो भारत आए हो आप बताइए यस 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 सभी ने कभी ना कभी न्यूज में सुना कभी ना कभी हो सकता है आप में से किसी ने देखा भी कि भारत आए हैं तो मान लिया जाए ये भारत आ गए ये जो है जो बाइडन ये अमेरिका से चल के कहाँ से चल के अमेरिका से चल के 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 कहा आ गए भाई साहब अरे कहाँ छुप गए ये भारत आ गए ऊपर कर दें इसको ठीक है ओ लो जी आ गए ये भारत में आ गए अब भारत में भाई साहब कहाँ आए कहीं भी आए हो अब भारत में अगर मान लो वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो किसी भी कोने में भारत के जाते जाएंगे ये भारत के ही माने जाएंगे मैं इसको साइज छोटा कर दूं ताकि भारत घुमा पाऊँ चाहे यहाँ घूम रहे हो यहाँ घूम रहे हो कहीं भी जाए ये माना जाएगा ये कहाँ आए भारत में अब जैसे ही भारत में आए मान लेते हैं ये दस दिन रुके ये टेन डेज भारत में ये दस दिन रुके टेन डेज दस दिन रुके अब दस दिन में इनको पैसा कमाया इन्होंने अमेरिका में से तो बहुत पैसा मिलता ही है इनको दस दिन रुके क्या यहां पे दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी मोदी जी या फिर हम बात करें हमारा जो गवर्नमेंट है क्या गवर्नमेंट इसको बोले के भाई तू पहले टैक्स दे क्या इससे हम टैक्स ले सकते हैं क्या हम इससे टैक्स ले सकते हैं बताइए क्या इससे टैक्स ले सकते हैं हम या नहीं ले सकते टैक्स बात छोड़िए कि अमेरिका का प्रधानमंत्री है आपको ये बस बताना था कि ये अमेरिका में रहने वाला है प्रधानमंत्री कह रहा हूँ है। राष्ट्रपति है। ये बात छोड़िए क्या हम इससे टैक्स ले सकते हैं बताइए बच्चे बोल रहे नो सर नो सर नो सर नो सर नो सर नो क्या ये बताओ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या हमारे कानून से बड़ा है ये व्यक्ति अब कोई बच्चा बता दे क्या हमारे कानून से बड़ा है ये क्योंकि कानून क्या कहता है सबके लिए एक समान सबके लिए एक समान तो क्या आप इसे हमारे कानून से ज्यादा मानते हो ये जो बाइडन को क्या हमारे कानून से ऊपर है जवाब है नहीं सर ये कानून से तो ऊपर नहीं है तो कानून से ऊपर नहीं है तो इसको भी भारत में आएगा तो इसको टैक्स देना पड़ेगा ओ माय गॉड ये क्या कह रहे हो सर जी हाँ, ये भारत में आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा सर देगा कौन सी इसका इनकम ही नहीं है। भले ही ये अमेरिका में इसका कारोबार चल रहा है भले ही अमेरिका से बिजनेस कमा रहा हो अगर भारत में पैसा लेके आएगा या भारत के अंदर इसका इनकम जनरेट होगा भारत में रह के एंजॉय करेगा तो बोलेंगे ओहो आप विदेशी नहीं रहे अब आप गवर्नमेंट आपको कहेगी आप तो इंडियन हो गए आप तो इंडियन हो गए क्यों इंडियन हुए वैसे नहीं नागरिकता के पर्पज से नहीं आप इंडियन हो गए किस लिए टैक्स लाओ अब जितना भी आप अमेरिका में कमाते हो सब पे टैक्स लाओ अच्छा सर अब ऐसे अगर ये भी मान लेते हैं एक और व्यक्ति है इसको भी आप जानते हो गए कहाँ रहते हैं ये ये यूके के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कुछ भी नहीं करा यूके का प्रधानमंत्री होते हुए भारत के लिए तो कुछ नहीं करा बस घूम फिर के चले गए इसलिए हटाई दिया इसको कुछ तो करते भारत के लिए अब ये भी भारत आ गए अब बताओ ये भी भारत आ गए क्या इसे टैक्स देना होगा भारत में ये इंडियन सिटीजन है या नहीं बताओ ये भारतीय है कि नहीं है ये ये बताओ इंडियन ऋषि सुनंक नाम है इनका सुनंक लेकिन कुछ सुनक नहीं किया इन्होंने ये तो भाई अंग्रेज है चलो इसके बोल दिया अब यह बताओ यह भारतीय है या नहीं यह इंडिया में आए क्या इनको टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा नहीं सर नहीं देना होगा नहीं देना होगा नहीं देना होगा क्यों भाई लेकिन रेजिडेंट के लिए एक एक बच्चे ने तो इतनी भारी बात बोल दी एक डेज इतनी भारी बातें अभी थोड़ी देर में करेंगे हम क्या यह हमारा रेजिडेंट होगा तो जवाब है सर ये भारत में टैक्स देगा तो जवाब कानून से बढ़ के तो भाई साहब आप भी नहीं हो आपको भी टैक्स देना होगा यानी कोई बाहर का व्यक्ति आए या मान लेते हैं मान लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री या आपको ही मान लेते हैं आप इंडिया से बहुत दिनों तक घूमने के लिए बाहर चले गए बाहर चले गए पहले घूम रहे हो अमेरिका 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 फिर घूमने चले गए कहाँ पे सर यूके यूके और पूरे लगभग लगभग आप एक साल तक बाहर घूम के और फिर घूम ही रहे हो घूम ही रहे हो घूम ही रहे हो अभी भी बाहर हो तो रहने वाले कहाँ के हो इंडिया के क्या आप टैक्स दोगे सरकार को बताओ मुझे क्या आप टैक्स दोगे सरकार को आप एक साल से बाहर ही घूम रहे हो इंडिया के अंदर फैक्ट्री फैक्ट्री चल रही है क्या आप टैक्स दोगे गवर्नमेंट को इन सभी बातों के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया कौन देगा कौन नहीं देगा तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि ऐसे तो तय करना मुश्किल है कोई भारत से अगर बाहर चले जाए तो उससे टैक्स ले या ना ले कोई बाहर से भारत में आ जाए तो उससे टैक्स ले या ना ले तो हमने बोला भाई तुम अपनी जगह पहुंचो और तुम अपनी जगह पहुंचो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमें रूल बनाने दो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला रूल बनाने दो बोला भैया रूल बनाते हैं बनाते हैं तो इनके लिए फिर सेक्शन लेके आए इनकम टैक्स में सेक्शन लेके आए सेक्शन सिक्स वन सिक्स भैया गया क्या बोला गया गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर शब्दों में बोला कि गवर्नमेंट ने रूल बना लिया गवर्नमेंट ने क्या बोला सर गवर्नमेंट ने रूल बना लिया रूल बना लिया कि अगर कोई भारत में लगातार एक दिन अगर कोई भारत में लगातार एक दिन रुकता है तो ऐसे सिचुएशन में हम मान लेंगे तुम इंडियन हो और तुमसे टैक्स ले लेंगे यानी सर अगर मैं 200 300 दिन अगर मैं फॉरेन में रह लूं और बचपन से मैंने जवानी तक यहां पे बिताया है और मात्र इस साल 300 दिन फॉरेन में रह लूं तो इस साल के लिए मैं फॉरेनर बन जाऊंगा जी हाँ मैं फॉरनर बन जाऊंगा क्योंकि मैं तो भारत में सिर्फ पैंसठ ही दिन रहा तो अगर तो तो मतलब तो टैक्स नहीं लेगी बोले जाओ, जाओ, अमेरिका, अमेरिका में भरो अगर जो बाइडन इंडिया में आके एक दिन रह लेता है आहा, इंडिया के वेदर बहुत अच्छे है यहाँ पे सब कुछ ठीक है घूम रहा है एक दिन तक जैसे एक सौ दिन होगा जैसे एक सौ बयासी दिन होगा इनकम टैक्स आ जाएंगे उठो जो बॉडी टैक्स लाओ पहले आप फटाफट उससे टैक्स ले लिया जाएगा यानी एक तय सीमा है गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भारत में अब एक वर्ड मैंने बोला भारत में अब पहले भैया भारत तो बताओ कौन सा होता है ये आपको नक्शा मैंने दिखाया ये सब यहां से लेके ये देखो ये देखो ये पूरा भारत है भारत है भारत 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 ये पूरा भारत 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 ये भी भारत है हाँ असम वसाम सब भारत का हिस्सा है भाई अब तो पीयू के लेना है तो भारत 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 ये पूरा का पूरा एरिया हमारा भारत है अब मुझे बताओ ये अंडमान निकोबार ये भी भारत है ये भी भारत है भारत का हिस्सा ही अंडमान निकोबार है अब मुझे बताइए ये पौंडीचेरी ये भी भारत है अब मुझे ध्यान से बताइएगा मान लीजिए इसके बाद का एरिया मान लेते हैं इसके बाद ये सारा एरिया कौन सा है ये वाला एरिया क्या है ये सभी तो समुद्र है सारा का सारा एरिया क्या है आपका सारा का सारा समुद्र है पूरा का पूरा तो समुद्र के अंदर मान लेते हैं कि भारत ने बोला कि भैया हम टैक्स लेंगे टैक्स लेंगे टैक्स लेंगे और यहां पे एक व्यक्ति नाव पे नाव पे यहाँ पे एक व्यक्ति नाव के ऊपर बैठा हुआ है और यहाँ पे 31 दिसंबर की रात को मान लेते हैं कि ताश खेल रहा है पत्ते खेल रहा है इकतीस दिसंबर को रात को कार्ड खेल रहा है और उस कार्ड में इस व्यक्ति ने पांच करोड़ रुपए जीत लिया पांच करोड़ रुपए जीत लिया इसने ना तो अंडमान में ना पौंडीचेरी उससे थोड़ी दूर गया और नाव पे बैठ के ताश खेल रहा है और पांच करोड़ जीत गया और वापस से वो इंडिया में आता है कुछ दिनों के बाद इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई तू मेरे को टैक्स दे ये पता है क्या बोलेगा मैंने तो भारत में पैसे ही नहीं कमाए मैंने पैसे कहां कमाए भारत के बाहर कमाए हैं तो मैं इस पर टैक्स क्यों दूँ तो गवर्नमेंट ने यहां पे इंडिया को डिफाइन किया बोला कि भैया जो ये एरिया देख रहे हो ये तो इंडिया है इस एरिए से लेके क्योंकि ये समंदर एरिया है तो समंदर जो है वेव होता है तो यहाँ के एरिया को किलोमीटर में नहीं नापा जा सकता इसको नॉटिकल माइल में नापा जाता है तो बोला गया यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक 12 नॉटिकल माइल तक यहां से 12 नॉटिकल माइल तक के एरिया में अगर आपकी कोई भी इनकम होती है तो वो भारत की ही इनकम मानी जाएगी उस या, यानी कहने का मतलब है यहां से लेके यहाँ तक ऊपर नीचे जहां भी देखो ट्वेल्व माइल तक पूरा भारत का हिस्सा माना जाएगा तो बोला गया अगर आप कोई भी भारत के अंदर आके रुकते हैं वन एटी टू डेज तो आप वहां के माने जाओगे भारतीय और जो भी पैसा आप कमाओगे चाहे किसी भी दुनिया में कमाओ पैसे आपको टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा आपको टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा इसका मतलब सर क्या रूल बना है इसके ऊपर जी हां रूल बना है आइए देखिए रूल रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंशियल स्टेटस कहा गया आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए रूल बनाया गया है और मैं बात करूंगा सिर्फ इंडिविजुअल की इंडिविजुअल की पर्सन बहुत सारे थे अभी पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल बोला गया भैया आपको दो रूल हम देखेंगे दो रूल चेक करेंगे ये मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल सेक्शन सिक्स वन इंडिविजुअल दो रूल हम पहले चेक करेंगे आपके ऊपर बेसिक कंडीशन बेसिक कंडीशन यानी आपको तो ये बात तो समझ में आई कि भैया टैक्स देने के लिए जरूरी नहीं है कि कौन हो आपको भारत में रुकना पड़ेगा तो भारत में रुकने के लिए कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम आपके रहने के ऊपर उसके हिसाब से तय होगा कि आप टैक्स दोगे या नहीं दोगे तो हम सबसे पहले चेक करेंगे बेसिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन के बाद एक और टेस्ट करेंगे एडिशनल कंडीशन दो कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होगा बेसिक और एडिशनल बेसिक कंडीशन के अंदर दो पार्ट है बेसिक कंडीशन नंबर वन और बेसिक कंडीशन नंबर टू बेसिक कंडीशन नंबर वन नंबर वन सर बेसिक कंडीशन नंबर वन क्या होगा बोला कोई भी हो व्यक्ति तो उसे कम से कम एटलीस्ट अगर कोई व्यक्ति 182 डेज या मोर 182 डेज या मोर उससे ज्यादा 182 डेज या मोर उससे ज्यादा अगर वो क्या कर ले स्टे कर ले इन In इंडिया इंडिया स्टे इन इंडिया अब इंडिया का मतलब हरियाणा भी हो सकता है छत्तीसगढ़ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश भी, भी हो सकता है कहीं भी रुक जाए days में। तो हम बोलेंगे बेसिक वन पूरी कर लिया आपने। सर बेसिक कंडीशन दोनों पूरी करनी है क्या दो है तो नहीं दोनों में से कोई एक आपको करना है तो जैसे ही बेसिक कंडीशन कोई भी एक पूरी कर लोगे अगर आपने बेसिक कंडीशन यस पूरी कर ली तो हम आपको बोलेंगे भैया आप अभी थोड़े से आपको एक स्टेटस मिलेगा दैट इज रेजिडेंट और जैसे ही आपने बेसिक कंडीशन पूरा नहीं किया नो no. अगर बेसिक कंडीशन पूरा नहीं किया तो आप बन जाओगे नो no के केस में आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट सर मतलब के पूरा करने के लिए पूरा अगर करते हैं तो आप बन जाओगे रेजिडेंट अगर पूरा नहीं करते हो तो बन जाओगे नॉन रेजिडेंट सर बेसिक कंडीशन कौन सी क्या दोनों पूरी करनी है नहीं दोनों में से कोई एक पूरा कर दो सर दूसरा क्या है दूसरा बताओ दूसरा बताओ दूसरा है कि आपको रहना पड़ेगा बेसिक कंडीशन नंबर टू है यहां पर बेसिक नंबर टू सर इस कंडीशन में क्या है यहां पे बोला गया आपको एटलीस्ट सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर प्रीवियस का ईयर का मतलब होता है करंट ईयर जिस साल का हमें टैक्स निकालना है ठीक है और एंड एंड ये तो पूरा करना ही है दूसरा थ्री सिक्सटी डेज थ्री सिक्सटी डेज लास्ट फोर ईयर में थ्री सिक्सटी डेज लास्ट फोर ईयर में नहीं सॉरी थ्री सिक्सटी फाइव है तीन सौ पैंसठ यानी बेसिक कंडीशन आपके हो गए दो एक बार तीन सौ पैंसठ और तीन सौ साठ दिमाग से स्किप सा हो गया वो बता देते हैं आपको तीन सौ पैंसठ ठीक है, है। यानी कहा गया कि भैया बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन है बेसिक कंडीशन नंबर वन बेसिक कंडीशन नंबर टू वन के मुताबिक एक सौ बयासी दिन रुक जाओ बस टू के हिसाब से आपको साठ दिन रहना है यानी हम अगर मान लेते हैं तेईस चौबीस का टैक्स निकालेंगे तो आपको साठ दिन रहना है और साठ दिन के बाद ठीक आपको साठ दिन के साथ साथ आपको तीन सौ पैंसठ दिन पिछले चार सालों में रखना है अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये एडिशनल कंडीशन की तो अभी बात ही नहीं कर रहे अच्छा सर यानी क्या हमें अगर रेजिडेंट होना है इंडिया का तो हमें बेसिक कंडीशन पूरी करनी होगी कौन सी पूरी करनी होगी कोई भी सर अब दो क्यों बनाई अगर आप इससे बच गए तो इसके अंदर आ जाएंगे फिर भी दो क्यों बनाई एक ही बना देते वो उन्होंने कहा कि कुछ इसके एक्सेप्शन केस एक्सेप्शन केस सर एक्सेप्शन केस क्या है बोला गया इस केस में हम सिर्फ आपका यही वाला रूल चेक करेंगे नंबर वन अगर आप अगर आप इंडियन ओरिजन अगर इंडियन ओरिजन हो सर वो कौन होते हैं इंडियन ओरिजन इंडियन ओरिजन का मतलब है आप या आपके मदर या आपके फादर या आपके ग्रैंड फादर बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया या फिर बॉर्न हुए हो बिफोर फोर्टी सेवन अच्छा यानी इंडियन ओरिजिन का मतलब वो व्यक्ति या तो वो या उसके परिवार मम्मी पापा दादा दादी कोई भी ऐसा कोई परिवार हो जो कि भारत में पैदा हुआ हो उन्नीस से पहले तो वो इंडियन ओरिजिन माना जाएगा जैसे अब ये कौन है बताओ ये इंडियन है ये इंडियन है लेकिन रहता कहाँ पे क्योंकि इसके दादा दादी भारत में ही पैदा हुए थे उन्नीस से पहले तो अगर ये इंडियन ओरिजन है तो भारत में जब आएगा तो इसपे सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर वन चेक किया जाएगा और ये जो बाइडन आप इंडियन ओरिजन नहीं हो तो जब आप भारत आओगे तो हम आपके ऊपर दोनों कंडीशन चेक करेंगे बेसिक कंडीशन नंबर वन भी देखेंगे अगर इससे बच गए तो दोबारा लगाएंगे बेसिक कंडीशन नंबर टू दोनों से बच गए तो आपकी किस्मत अच्छी आप नॉन रेजिडेंट हुए अब आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप आओगे तो आप इंडियन हो थोड़ी सी रियायत बरतेंगे साठ दिन वाले में आपको नहीं फंसाने वाले आपको देख लेंगे एक दिन वाली बात अगर एक दिन से नहीं निपटे तो जाओ आप नॉन रेजिडेंट हो जाओगे इसका मतलब सर हमें जो कंडीशन चेक करने की बात कर रहे हो हमें हर किसी पर दोनों चेक करने हैं लेकिन जो पॉइंट मैं लिख रहा सिर्फ कंडीशन नंबर वन ही चेक करना पहला ही चेक करना इसके अलावा ये वाला उसके लिए नहीं है तीन पॉइंट है टोटल वो तीनों पॉइंट मैं लिख देता हूं पॉइंट नंबर टू मेंबर इन In इंडियन अब क्रू मेंबर क्या होता है क्रू मेंबर आप देखना चाहोगे क्रू मेंबर होता है शिप पे जो काम करते हैं शिप पे जो काम करते हैं दिखाते हैं क्रू मेंबर क्रू मेंबर गूगल समझ पाएगा क्या समझ पाएगा गूगल ये देखो ये तो हवाई जहाज आ गया क्रू मेंबर में क्रू मेंबर में। हवाई जहाज ने शिप शिप ये आ गया क्रू मेंबर आप इसको देखो ये देखो ये कहां है ये पानी के जहाज पे है ये पेंट वेंट कर रहा है ये तो पा... शिप को चलाने वाले दो व्यक्ति होते हैं एक कैप्टन होता है एक क्रू मेंबर होता है क्रू मेंबर वहाँ के हेल्पर वर्कर है तो भाई अगर इंडियन शिप पे कोई इंडियन शिप हो रेजिडेंट हो इंडियन शिप की बात कर रहे हैं और अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया गया तो उसके लिए एक्सेप्शन केस है और बस तेरा कितना चेक करेंगे समझ जा भाई तेरे लिए सिर्फ एक दिन ही बना हुआ है क्योंकि तू क्रू मेंबर है इंडियन इंडियनशिप पे हवाई जहाज की बात नहीं कर रहे अगर हाँ ये कैप्टन टाइप का हुआ तो तेरे लिए नहीं है सिर्फ और सिर्फ इन छोटे छोटे लोगों के लिए एक दिन वाली बात बनाई गई है अच्छा सर यानी क्रू मेंबर का मतलब ये है हाँ जी यही है तीसरा <laughs> <laughs> Indian resident go outside India for employment for employment. एम्प्लॉयमेंट यानी सर ये तीन एक्सेप्शन केस है अच्छा अगर ये तीनों में से कोई हुए तो उनके लिए सिर्फ चेक क्या होगा सर उसके लिए चेक होगा कंडीशन और ये वाला क्या है अगर आप जॉब के सिलसिले में जैसे आपकी जॉब चले गए आप दुबई चले गए आप यूएसए चले गए तो इंडियन रेजिडेंट थे लेकिन आप नौकरी के पर्पज से बाहर गए हुए हो सिर्फ नौकरी के पर्पज से तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर कंडीशन कौन सी लगेगी एक सौ बयासी दिन वाली लगेगी ऐसे केस में आपके ऊपर कौन सी कंडीशन लगेगा एक सौ बयासी दिन वाला लगने वाला एडिशनल तो बाद में बात करें मैंने बताया दो चीजें चेक करना होगा पहले तो बेसिक से निपट लें इसके सवाल देख ले फिर हम एडिशनल पे आएंगे अच्छा सर इसको बाद में देखेंगे जी हाँ नोट पर्सन नोट डे ऑफ डिपार्चर काउंट इन इंडिया Number two, Day of Arrival, Day of Arrival Count in India. Number three, No Need, No Need. To stay in India at one place. Number four, no need continuous stay. इंडिया In सर ये कुछ एक जानकारी अब जिस दिन आप समझिए पहले पॉइंट का मतलब जिस दिन आप भारत को छोड़कर जाएंगे भले ही भारत को आप छोड़कर कब गए रात के बारह बज के एक मिनट पे गए आप भारत में सिर्फ एक मिनट के लिए रुके थे मान लिया जाएगा पूरे दिन भारत में थे वो दिन आपका भारत के अंदर रहा हुआ माना जाएगा जब हम दिन कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी बातें काम आएगी डे ऑफ अराइवल मान लेते हैं आप ग्यारह बज के उनसठ मिनट पे इंडिया के टेरिटरी जो मैंने बताया उसमें लैंड हो जाते हैं यानी सिर्फ एक मिनट के लिए आप उस दिन रहे लेकिन मान लिया जाएगा उस दिन आप भारत में आ गए तो पूरा दिन आपका एक दिन काउंट हो जाएगा नो नीड टू स्टे इन इंडिया अगर आप इंडिया आ गए तो आपके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप इंडिया में एक ही जगह रहें आप इंडिया में आ गए आप दिल्ली जाओ मुंबई जाओ कोलकाता जाओ घूमते रहो रहोगे तो इंडिया में ही इसका कहने का मतलब ये है नो नीड टू कंटिन्यू स्टे ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार आ गए आप और कंटिन्यू भारत में रहो ऐसा हो सकता है कभी पांच दिन रुक के जा रहे हो कभी दस दिन रुक के जा रहे हो हर महीने आप दस दस दिन रुक के जा रहे हो हर महीने आप बीस बीस दिन रुक के जा रहे हो तो आप जितनी बार आओगे उन सभी डे को टोटल करके आपके हम ये कैलकुलेशन निकाल लेंगे अच्छा सर यानी यानी अगर आपको रेजिडेंट होना है रेजिडेंट होना है तो आपको दो कंडीशन है एक है बेसिक कंडीशन नंबर वन और एक है बेसिक कंडीशन नंबर टू बेसिक कंडीशन वन नंबर वन में वन एटी टू डेज आपको भारत में रहना होगा एडिशनल बेसिक कंडीशन नंबर टू में आपको डेज तो रहना होगा भारत में उस साल में एंड इसके साथ साथ ये भी चेक करेंगे तीन सौ पैंसठ दिन आपका लास्ट प्रीसीडिंग फोर ईयर में लास्ट फोर ईयर में जो भी साल था लास्ट फोर ईयर में आप भारत में रुके या फिर नहीं रुके ये हम आपका चेक करेंगे तब कहीं जाके हमारा कुछ फैसला बनेगा अब करना क्या है आपके साथ अब करना क्या है आपके साथ अच्छा यानी आप रेजिडेंट होंगे तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी जी हाँ ये सब बातें और सारी चीजें हम आपके चेक करने वाले हैं अगर आप हुए क्या रेजिडेंट तो सर आइए कोई कैसे सवाल होंगे अभी हमारे मन में इतने ख्याल हैं कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे तो वो अब फटाफट से आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा चलो मैं सवाल पहले करा दूं फिर हम आएंगे आ जाओ भाई सवाल दिया था मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस का अभी हालांकि बुक आई नहीं है लेकिन कुछ एक सवाल जो हम अभी थोड़े से ट्राई कर सकते हैं आपके बुक का ही है जो आएगा कहता है आ इंडियन आ सिटीजन ऑफ यूएसए मतलब ये ब्रैटली हो सकता है और यूएसए का थोड़ी है जो बाइडन हो सकता है मतलब बाहर का व्यक्ति है फेस मार्क जबरगर हो सकता है इलोन मास्क हो सकता है इनमें से कोई हो सकता है ये सिटीजन हैज बिन स्टे इन इंडिया भाई टू सिटीजन यूएसए का और रुकता भारत में है सिंस 1992 इतनी पुरानी बात उस टाइम से भारत में रुक रहा है लेकिन ही लीव्स इंडिया ये छोड़कर चला गया 16 सात 2022 विजिट यूएसए अपने घर वापस चला गया ये और रिटर्न चार एक दो हजार तेईस को आया डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर दिस पर्पस आपको ये ध्यान रखना है कि किस साल के लिए निकालना है अच्छा सर यानी हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है बाईस तेईस बाईस तेईस का मतलब एक चार दो हजार बाईस से लेके इकतीस तीन दो हजार तेईस तक हमें चेक करना है कि भारत में कितने दिन रहा तब बताएंगे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस उन्नीस सौ बानवे से भारत में रुका उससे क्या मतलब उससे क्या लेना देना हम तो इस साल एक हर साल का चेक होगा तो यह बात भी ध्यान रहे रेजिडेंशियल स्टेटस व्यक्ति का हर एक साल चेक होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल चेक होगा हर साल चेक होगा तो चेक करते हैं भैया अप्रैल मैं अल्फाबेटिकल लिख लेता अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च मैंने पूरे बारह महीने लिख लिए अब ये गया कब <laughs> 16 सात को गया देख रहे हो ये गया कब सोलह सात को 2022 में तो सोलह सात का मतलब अप्रैल 22 में भारत में ही था जी हाँ कितने दिन तीस दिन अप्रैल में था भारत में जी हाँ तीस दिन मई में सातवें महीने में गया तो मई तो पांचवा महीना है इसमें 31 दिन भारत में था जून में जून में भी भारत में ही था तीस दिन अब सोलह तारीख को गया तो भाई जुलाई में कितने दिन रहा भारत में सोलह दिन फिर गया अगस्त में भैया वो बाहर ही घूम रहा है मौज काट रहा है सितंबर में बाहर ही घूम रहा है सर अक्टूबर में बाहर ही घूम रहा है वापसी कब आया ये चार एक दो हजार तेईस में वापस आ गया नवंबर में जीरो दिन बाहर घूम रहा है दिसंबर में बाहर घूम रहा है जनवरी में आया रुको रुको जनवरी में आया कब आया चार तारीख को तो चार तारीख को भारत में आ गया तो चार तारीख को तो इंडिया में ही है तो इंडिया में रुका चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ऐसे काउंट करोगे तो आपके कितने दिन बन जाएंगे तो अगर मैं काउंट करता हूं इकतीस माइनस चार तो भारत में सत्ताईस दिन रुका जनवरी में सत्ताईस दिन भारत में फरवरी के महीने में अब काउंट करो भैया 28 का महीना है कि 29 का महीना है 2023 आ गया तो ये 28 का मंथ होगा आपको पता होना चाहिए जो ईयर जो ईयर जैसे मान लेते हैं 2000 मान लेते हैं 2020 मान लेते हैं 2024 अगर ये चार से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में इसमें फरवरी के महीने में उनतीस दिन होंगे अगर जो साल चार से डिवाइड नहीं हो रहा जैसे कि 2023 ये चार से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसके इसके अंदर इसके अंदर 28 दिन होंगे तो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट तो आपने बचपन में पढ़ा होगा लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट तो आपने बचपन में पढ़ा होगा फरवरी के बाद मार्च अब तो भारत में ही है तो मार्च में इकतीस दिन टोटल करो कितने हुए टोटल करो कितने हुए टोटल होंगे 28, 28, ये अट्ठाईस 28 दिन होगा एक दिन मैंने कम लिख दिया ये ट्वेंटी एट डेज होगा क्योंकि चार को तो भारत में ही काउंट होगा तो तीन दिन ही तो बाहर रहा तो तीन माइनस कर दो इकतीस में से तीस दिन इकतीस दिन तीस दिन सोलह दिन, 16 दिन अट्ठाईस दिन अट्ठाईस दिन ऐसे गिनना पड़ेगा हाँ भाई हाँ ऐसे गिनना पड़ेगा 194 डेज वो इंडिया में रहा 194 डेज वो कहाँ रहा इंडिया में रहा तो आप मुझे बताइए क्या इसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है क्या बेसिक कंडीशन डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा फटाफट कमेंट में बताओ इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा क्या इसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है बताइए आप मुझे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ क्या होगा सर लेकिन रेजिडेंस के लिए तो एक दिन रहने पड़ते हैं ओहो वो तो बता गया अमित ने बोल दिया यस 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 तो भाई आप जो भी हो आप हो गए रेजिडेंट लेकिन सर इसके आंसर्स कैसे लिखेंगे सर इसके आंसर कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे मैं प्रॉपर आंसर का शीट दे दूंगा आपको जिसमें आंसर लिखना है यहाँ पे लिखना है मिस्टर ए सिटीजन ऑफ यूएसए जो यूएसए मिस्टर ए है हैज स्टे इन इंडिया 194 डेज हैंस ही बिकम रेजिडेंट ऑफ इंडिया मैं प्रॉपर एक फॉर्मेट में आंसर पहले अभी कैलकुलेशन सीख लेते हैं फिर प्रॉपर आंसर का भी हम दे देंगे क्या यहाँ तक आपको समझ में आया दिन में कैसे कैलकुलेट करा हमने डेज में कैसे कैलकुलेट करा एक और सवाल आइए कहता है क्लिंटन मिसेस क्लिंटन एन अमेरिकन सिटीजन कम्स इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम पहली बार आई प्रीवियस ईयर 2017-18 यानी 2017 और 2018 में पहली बार आई और आई 120 दिन के लिए 120 दिन के लिए डिटरमाइन प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 18-19 उन्नीस बीस बीस इक्कीस इक्कीस बाईस बाईस तेईस सी स्टे इन इंडिया अलग अलग दिन दे दिया तो इसके बाद वो लगातार आती रही और उसको अच्छा लगा भारत और भारत में आती गई अठारह उन्नीस उन्नीस बीस बीस इक्कीस इक्कीस बाईस बाईस तेईस तो अठारह उन्नीस में आई डेढ़ सौ दिन उन्नीस बीस में आई वो सौ दिन ऐसे चलेगा ना ये वाला एक सौ बीस दिन एक सौ नब्बे डिटरमाइन असेसमेंट ईयर दो हजार तेईस चौबीस तो हमें जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है वो निकालना है एक चार 2022 से लेके 31 तीन 2023 तक का स्टेटस बताना है so, में तो, का। तो 22 और 23 का निकालना होगा हमेशा याद रखना तो जो बच्चे नए हैं उसको इस शब्द से थोड़ी सी दिक्कत होगी जिसमें आप पहली क्लास देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले आ जाओ क्लिंटन जी क्लिंटन पे रूल लगाओ क्लिंटन है ये ये क्लिंटन है क्लिंटन के ऊपर रूल लगाओ भाई और रूल क्या लगाना है पहले इसके ऊपर रूल कौन सा लगाओगे इस पर रूल लगाओगे बेसिक कंडीशन नंबर वन बेसिक कंडीशन नंबर वन यानी बाईस तेईस इसके अंदर बेसिक कंडीशन नंबर वन आपको कितने दिन रहना है कम से कम एक सौ बयासी दिन रहने हैं लेकिन ये तो करंट ईयर में कितने दिन रही हे भगवान ये तो सिर्फ 94 डेज ही रही सिर्फ 94 डेज तो बेसिक कंडीशन क्या इसने पूरा किया कमेंट में बताइए क्या बेसिक कंडीशन में क्या कहता है कि आपको ड्यूरिंग करंट ईयर में आपको या फिर प्रीवियस ईयर कह लो उसमें एक दिन रहना है क्या इसने बेसिक कंडीशन कंप्लीट किया हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट से क्या इसने बेसिक कंडीशन कंप्लीट किया क्या बताइए जवाब दीजिए नो अर्नब ने नो 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 सभी ने नो तो चलो भाई तुमने नो नहीं किया अब दूसरा कंडीशन बच थोड़ी सकते हो हम बेसिक कंडीशन नंबर टू लगाएंगे बेसिक कंडीशन नंबर कहता है साठ दिन आपको करंट ईयर में रहना है और तीन सौ पैंसठ दिन पिछले चार सालों में तो सर करंट ईयर में तो साठ से ज्यादा है ये वाली बात तो पूरी कर दी और पिछले चार सालों में एक साल दो साल तीन साल चार साल पिछले चार सालों में कितने दिन 350 दिन टोटल करना जरा पिछले चार सालों में 350 दिन हो रहे हैं 150 100 ओहो ओहो हो हो गया हो गया हो गया तो 560 560 दिन तो हमें तो 350 चाहिए उससे ज़्यादा रह गए तो बहुत अच्छी बात है तो बेसिक कंडीशन नंबर टू आप आप मुझे बताइए कमेंट में क्या क्लिंटन मिसेस क्लिंटन ने क्या बेसिक कंडीशन नंबर टू से बच गई या बेसिक कंडीशन नंबर टू कंप्लीट कर दिया बताइए मिसेस क्लिंटन ने क्या बेसिक कंडीशन नंबर टू कंप्लीट कर दिया या बेसिक कंडीशन नंबर टू से बच गई जल्दी बताइए मुझे यस सर यस सर कंप्लीट कर दिया यस सर कंप्लीट कर दिया मतलब क्लिंटन आप बच नहीं पाओगे आपको टैक्स भरना होगा आपका स्टेटस हो गया रेजिडेंट Resident. Resident को को मैं मैं कई बार R से भी भी कर दूंगा, को हम मैं NR भी बोल दूंगा। हम बोल तो इसका पूछा गया कि सर ऐसे सवाल आएंगे, हाँ भाई हाँ, दस दस नंबर के ऐसे सवाल आएंगे आपके एग्जाम में तो सर कब आएंगे बताएंगे अभी मैंने दस दस नंबर के दिखाऊंगा तो इसका मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल दिया कैसे लिखना है पहले कैलकुलेशन सीख लो फिर मैं प्रॉपर लिखने का तरीका भी बता दूंगा कंप्लीट कर दी रेजिडेंट है रेजिडेंट है प्रेम कुमार ने भी बता दिया सर ये तो रेजिडेंट है और सवाल दें आपको और सवाल दें क्या आइए आइए और सवाल देते हैं ये, रहा, ये करते हैं यह सवाल मैं आपको देता हूं करने के लिए टेस्ट है आपका ये टेस्ट रजिस्टर निकालिए और रजिस्टर में फटाफट से टेस्ट दे दीजिए आपको बताना है डिटरमाइन रेजिडेंटल स्टेटस तेईस चौबीस यानी आपको बताना है बाईस और तेईस बाईस और तेईस के हिसाब से अब बताइए सब कुछ लिखा हुआ है अब आपको पढ़ना है जर्मन नेशनल है कम्स इंडिया फर्स्ट टाइम 2018-19 में पहली बार आया और ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 18 19 19 20 बीस 21 इक्कीस बाईस वॉज इंडिया दे दिया इसने डेज दे, दे दिया बताइए आप इसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है जल्दी बताइए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस मैं इंतजार कर रहा हूं तब मैं आंसर दूंगा बेसिक कंडीशन टू फुलफिल सभी बच्चों ने लगभग जवाब दे दिया चलो मेरी मेहनत कामयाब हुई मैं सफल हुआ आपको समझाने में मुझे लग रहा था कि मैं समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा तो 18 19 18 उन्नीस जिनको नहीं डाउट है उसके लिए मैं कर रहा हूं 19 20 19 20 और बीस इक्कीस इक्कीस बाईस और बाईस तेईस कहाँ गया और बाईस तेईस बाईस तेईस कैसे कैसे रहा वो वन फिफ्टी सिक्स सेवेंटी टू वन एटी टू थ्री वन सिक्सटी वन और एटी फोर तो आप ध्यान से देखिए ये था उसका स्टे इंडिया लेकिन आप देखेंगे कि करंट ईयर जो था इस साल में इसने 182 डेज वाले डेज से तो बाहर हो गया दूसरा लगाएंगे 60 डेज तो है वो अब 60 डेज हो गया तो हमें पीछे चार सालों में चेक करना है क्या तीन सौ पैंसठ दिन है तो आपने बताया किसी ने चार सौ दो दिन हो रहे हैं सर तो मेरे हिसाब से तो ये तो ज्यादा ही है तो ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो हो ही गया अरे बहुत ज्यादा हो रहा है ये तो वन फिफ्टी सिक्स ये हो गया 572 पिछले चार सालों में तो इसका मतलब इसने ये वाला भी कंडीशन यस और पिछले चार सालों के अंदर उसे तो तीन सौ पैंसठ वाला करना था लेकिन उसने कर दिया तीन सौ पांच सौ बहत्तर तो ये वाला भी यस दोनों पूरा कर दिया है इसने तो ये क्या बन गया स्टेट रेजिडेंट बन गया इसका स्टेटस क्या हो गया रेजिडेंट हो गया सभी बच्चों का लगभग सही जवाब था और भी सवाल देखें क्या कुछ और मुश्किल सवाल दो सर इतने आसान आसान सवाल चलो दो सवाल हैं यहां फटाफट से यह सवाल करके दिखाओ एक्स कम इंडिया अमेरिका फर्स्ट टाइम दो सालों के लिए बताना है इस साल के लिए भी और इस साल के लिए भी आप जल्दी करके दिखाइए टू पॉइंट सिक्स सर अगर करंट ईयर में सिक्सटी डे प्लस है और लास्ट डे में तीन सौ पैंसठ डे से कम है तो वो होगा रेजिडेंट हितेश नहीं होगा करंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों कंडीशन पूरी करनी होगी उसको चलिए टू पॉइंट सिक्स मैं करा दूं, मैं करा दूं आपको या आप ट्राई करेंगे या होमवर्क में दे बताइए मैं करा दूं आप करेंगे होमवर्क में अभी हमने बेसिक कंडीशन कराए फिर एडिशनल करेंगे फिर एक डीम्ड वाला है वो सिंपल से खत्म हो जाएगा वो हो अर्नब देखो बोल रहा है आप करा दो चलो जी मैं करा देता हूँ ये तो होमवर्क पक्का जाएगा फिर कहता है मिस्टर एक्स है और ये भाई अमेरिकन है फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है यानी इंडिया आया वो तीन दस दो हजार इक्कीस में और ही रिटर्न टू होम कंट्री इंडिया में इस दिन आया और इस दिन के बाद इंडिया रहा इंडिया रहा इंडिया रहा इंडिया से जा ही नहीं रहा अब उसका मन भर गया अट्ठाईस नौ दो हजार बाईस को वो इंडिया छोड़कर चला गया इंडिया छोड़कर चला गया हमें दो साल का बताना है रेजिडेंशियल स्टेटस एक बताना है असेसमेंट ईयर बाईस तेईस का मतलब होगा इक्कीस और बाईस और तेईस चौबीस का मतलब है आपका बाईस और तेईस तो यानी अगर हम बात करें इक्कीस और बाईस में इक्कीस और बाईस ये रहा यहां बाईस दो हजार बाईस लेकिन वो कौन सा होगा इकतीस तीन दो हजार बाईस ये साल हो गए इकतीस तीन दो हजार बाईस इस साल के दौरान में कितने दिन रुका ये चेक करो पहले इसका इसके बाद एक चार से 2022 और यहां तक रुका और ये खत्म तीन दो हजार तेईस चेक करो भाई चेक करो जनवरी फरवरी लिखो फटाफट पहले अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो इंडिया में तो कभी था ही नहीं ये तीस दस को आया है तो अप्रैल में जीरो मई में जीरो जून में जीरो जुलाई में जीरो अगस्त में जीरो सितंबर में जीरो अक्टूबर में आया है तीन तारीख को आ गया तो तीन को तो रहेगा तो ये यहाँ पे उनतीस दिन रुका है उनतीस दिन अक्टूबर में आया है तीन तारीख काउंट करोगे तो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ऐसे तो काउंट करना तो वो आएंगे उनतीस दिन ओके नवंबर भी यही है हाँ सर दिसंबर भी यही है हाँ सर जनवरी भी यही है हाँ सर फरवरी भी यही है कौन सा महीना है सर बाईस क्या दो हजार बाईस चार से डिवाइड हो जाता है देखते हैं दो हजार बाईस चार से डिवाइड होता कि नहीं है चार नहीं हुआ जी पॉइंट में आ गया तो अट्ठाईस दिन और इकतीस दिन बस इतने दिन जोड़ो एक बार फटाफट उनतीस दिन तीस दिन इकतीस दिन इकतीस दिन, दिन 28 दिन इकतीस दिन यानी एक सौ अस्सी दिन बने वन एटी डेज और पिछले चार सालों में वन एटी डेज बने करंट ईयर में तो भैया फर्स्ट बेसिक कंडीशन से तो बाहर हो गया बेसिक कंडीशन नंबर वन से बाहर अब दूसरा बेसिक कंडीशन चूज करो करंट ईयर में कितने दिन 60 क्या करंट ईयर में 60 रुका है हाँ भाई हाँ 180 रुका है ओके एंड प्रीवियस ईयर में 400 पिछले सालों में क्या ये तीन रुका है नहीं ये वाला नहीं करा ये कर दिया तो भैया तुमने एक करा एक नहीं कर पाए इस वजह से हम आपको बोलेंगे आप नॉन रेजिडेंट हो आप क्या हो नॉन रेजिडेंट किस साल में आप नॉन रेजिडेंट हो इस साल में किस में सर 21 और 22 में तो आप नॉन रेजिडेंट हो चलो सर अब बाईस तेईस भी चेक करें इसका बाईस इस तेईस भी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कहा है क्योंकि ये यहाँ आ गया फिर घूम रहा है यहां से यहां तक घूम रहा है घूम रहा है जाहिनी रहा जाहिनी रहा अब चला गया अप्रैल में कहा है सर अप्रैल में भारत में तीस दिन मई में भारत में जून में भारत में जुलाई में भारत में अगस्त में भारत में सेप्टेम्बर अट्ठाईस को गया तो अट्ठाईस दिन भारत में उसके बाद सर ये तो आया ही नहीं ना तो जीरो 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 दिन हो गए तो अगर इसका हम टोटल करते हैं तो क्या बनता है टोटल एक बार करके देखें तीस दिन तीस दिन तीस दिन तीस दिन इकतीस दिन और 28 दिन ओ हो, 179 देज, 179 देज। तो इसने बेसिक कंडीशन नंबर वन पूरी करी क्या बेसिक कंडीशन नंबर वन पूरी करी के नहीं करी सर अब बेसिक कंडीशन नंबर टू भी लगाओ इस वाले साल में हर साल लगाने पड़ेंगे भाई तो साठ दिन करंट ईयर में हो गया और पिछले चार सालों में तीन सौ पैंसठ दिन तो इससे पीछे अगर तीन सौ पैंसठ देखे तो नहीं इससे पीछे सिर्फ एक सौ अस्सी दिन था तो ये जो तीन सौ पैंसठ वाला था ये नहीं कर पाया तो दोनों ही में ये नॉन रेजिडेंट हो गया दोनों ही केस में ही क्या हो गया नॉन रेजिडेंट हो गया सर नहीं होगा रेजिडेंट हां दोनों साल में ये नॉन रेजिडेंट बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन इसी के जैसा 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 ये रहा आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में ये रहा आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में तो क्या आप सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है किसी स्टूडेंट को डाउट तो भाई इनकम टैक्स आप देख रहे हो कि अब आप मेरे से पूछते हो सर थ्योरीटिकल है या प्रैक्टिकल तो अगर आपको थ्योरी पता है कि क्या कंडीशन है तो प्रैक्टिकल कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे नो no, सर यानी सर आज की क्लास में हमने बहुत छोटी सी बातें पढ़ी बहुत छोटी सी बात क्या पढ़ी रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कुछ रूल्स हैं बेसिकली वो रूल्स क्या है रूल ये है कि आपको बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ती है पहले हम बेसिक कंडीशन सीख रहे हैं फिर एडिशनल कंडीशन सीखेंगे एडिशनल कंडीशन के बाद उसको क्या माना जाएगा वो भी सीखेंगे तो बेसिक कंडीशन के अंदर आपको वन डेज भारत में रहना है एडिशनल के अंदर या आप सिक्सटी डेज या लास्ट थर्टी फाइव डेज आप रह सकते हैं यानी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस में बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन है बेसिक कंडीशन में दो बातें हैं बेसिक कंडीशन नंबर वन आपको इंडिया में स्टे करना है कितना 182 डेज एडिशनल बेसिक कंडीशन नंबर टू के अंदर जब जाओगे आप तो वहां पे आपको क्या देखा जाएगा आपका देखा जाएगा करंट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर आपको सिक्सटी डे रुकना है प्रीवियस ईयर में सिक्सटी डे रुकना है और लास्ट फोर ईयर में थ्री डे रुकना है दोनों कंप्लीट करोगे तब जाके आप रेजिडें दोनों का मतलब बेसिक कंडीशन नंबर टू के दोनों पार्ट जब कंपनी कंप्लीट करोगे तब जाके दोनों पार्ट ये कंप्लीट करोगे तब जाके अब माना जाएगा आपका रेजिडेंट हो या तो ये वाला पूरा कर लो या ये हाँ लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन केसेस हैं क्या क्या एक्सेप्शन केसेस है अगर आप इंडियन ओरिजन हो तो आपके सिर्फ 182 डेज अप्लाई होगा अगर क्रू मेंबर हो आप तो 182 डेज अप्लाई होगा इंडिया से बाहर जॉब के लिए जा रहे हो तो सिर्फ 182 डेज आपके ऊपर अप्लाई होने वाला है क्या जरूरी है इंडिया में एक जगह रुकना ना बाबा ना क्या जरूरी है क्या आप इंडिया में कंटिन्यूस रुको नहीं भाई नहीं क्या जरूरी है कि इंडिया के अंदर आप एक बार आके एक ही बार विजिट कर सकते हो वही बात होगी दोबारा रिपीट नहीं क्या ऐसा है जिस दिन आओगे उस दिन इंडिया में होगा जिस दिन जाओगे उस दिन इंडिया में होगा तो आज की क्लास में हमने इतनी छोटी सी बात पढ़ी है ज्यादा चीजें नहीं पढ़ा इसके बाद हमारा अगला, अगला कॉन्सेप्ट होगा सर दैट इज एडिशनल कंडीशन तो पहले बेसिक कंडीशन का एक क्वेश्चन दे दिया है अगली क्लास में एडिशनल कंडीशन करके इसके चार पांच क्वेश्चन करेंगे तो रेजिडेंशियल स्टेटस का हमारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा इसमें दो पार्ट्स हैं बेसिकली एक रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना दूसरा टोटल इनकम कैलकुलेट करना तो पहले हम रेजिडेंशियल इंटर इं, इं, कैसे कैलकुलेट होगा वो देख रहे हैं अभी